जी हम वापस आ चुके हैं मेरे शो के साथ बी अ मून शो। तो जी मैंने इसके 2 महीनों से या 3 महीनों से वीडियोस नहीं बनाए, बिकॉज ना आप लोग मुझसे कोई प्रॉब्लम अपनी शेयर ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने इसे साइड पे रख दिया था। सो नाउ आई हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं अभी उनके आंसर्स दूंगी। तो आप लोग भी अगर चाहते हो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, कि लाइक कोई एडवाइस देने वाला चाहिए ना, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप एडवाइस लेते हो या नहीं लेते हो, बट शेयर करना तो बनता है। लाइक कोई दिमाग दे रहा है मुफ्त में तो थोड़ा सा ले लो। और कैसे कैसे आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो, ये मैं इस वीडियो में बीच में बताऊंगी, तो डोंट स्किप। तो जी आज का हम क्वेश्चन लेते हैं जी। तो ठीक है जी, वेयर इज माई स्पेक्सी सेक्सी। ओके, तो जी ये क्वेश्चन हम लड़की का नाम चेंज कर देंगे, एक लड़की ने पूछा है तो हम इनको नाम देते हैं इनके क्वेश्चन के हिसाब से। ये 15 ईयर्स की है, सो हम इनको छुटकी बुला देते हैं। ओके, और इन्होंने फुल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो हम हिंदी में ही बोलेंगे आपको। तो जी इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, आई लव यू सो मच। छुटकी, फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे आई लव यू बोला। आई लव यू टू, मैं जानू लव यू यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम किसी ने बोला है, ब्रो ब्रो। ओके, तो इन्होंने लिखा है, एंड माय प्रॉब्लम, आई एम इन लॉन्ग डिस्टेंस। ओके जी, तो ये है अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, ये 15 ईयर्स की है, एंड इनका बॉयफ्रेंड जो है वो है 19 ईयर्स का, और सिर्फ 15 दिन हुए हैं इन्हें रिलेशन में आके। और इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके रिलेशन में अभी से ही झगड़े होने लगे इन 15 डेज, और ये पूछ रहे हैं इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज सेफ। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखो, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आप अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, या फिर आपको एडवाइस करने वाला चाहिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी किसी ने एडवाइस करके रखा हुआ है बट आपको एक सेकेंड ऑप्शन चाहिए कि भाई और पता चले इसके बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, उन्नति बी नेगेटिव। तो भाई जाके फॉलो करो और मुझे डीएम करो, और उसके बाद आप मुझे अनफॉलो कर सकते हो। सिर्फ डीएम करने के लिए तो फॉलो करना पड़ेगा, तो फॉलो करके डीएम करो एंड देन वापस अनफॉलो कर दो अगर आपकी इच्छा हो तो। फिर उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं आपका नाम पता कुछ भी आप जो भी लिखोगे फुल प्राइवेट। यहाँ पे भाई भाई सिक्योरिटी इज मेन, तो मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली, मेरे तक ही रहेगा। या फिर आप अपना फेक अकाउंट बनाओ, उससे भेजो, इट्स ओके। तो आप अपना प्रॉब्लम मुझे डीएम करो, और फिर वो मैं, अगर मुझे लगेगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ आपको इस चीज़ का सलूशन, तो मैं ज़रूर आपको तभी बता दूंगी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ और आप जाके देख लो, और मैं आपको पर्सनली लिंक भी शेयर कर दूंगी। बट अगर मुझे लगेगा कि प्रॉब्लम इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी, कि मैं उसमें सॉल्यूशन ना दे पाऊँ या एडवाइस ना कर पाऊँ, मैं नहीं करूँगी। और बस इतना ही बताना था, और अब हम जाते हैं इनके इसमें, लेट्स गो। सीरियसली छुटकी, सुनो तुम सिर्फ 15 ईयर्स की हो, ओके, ये तुम्हारी एज नहीं है रिलेशन में आने की। इट्स योर पर्सनल चॉइस कि तुम रिलेशन में आना चाहती हो या फिर नहीं आना चाहती हो, बट मेरी हिसाब से मेरी एडवाइस सुनोगी तो रिलेशन इज़ नॉट फॉर यू। वेट करो यार, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी जॉब वॉब लो, आएगा यार जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, अगर आप किस्मत को मानती हो या फिर कर्मा को मानती हो, आप जिसको भी मानती हो, जस्ट बिलीव, आएगा वो लड़का। बट इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लड़का 19 ईयर्स का, आप 15 ईयर्स की, प्लस आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में इतना बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि उससे हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ता है, और हम कितने ऑनेस्ट हैं हमें भी पता चलता है कि यार ठीक है वो उतने दूर है, बट मैं इधर किसी और लड़के को या फिर लड़की को नहीं देख रही हूँ, मैं उसे चीट नहीं कर रही हूँ, हम बिल्कुल ऑनेस्ट है, प्योर है एक दूसरे के साथ। एक अच्छा रिलेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर हम उसे ठीक ढंग से निभाते हैं तो। एंड लॉन्ग डिस्टेंस में ऐसा होता है कि जब आप मिलते हो, जब आपको पता चलता है कि हमारा सामने वाला पर्सन
या ऑपोजिट सेक्स हमसे मिलने आ रहा है, मतलब दूर से आ रहा है मिलने, वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है एंड बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि सालों के बाद, महीनों के बाद, दिनों के बाद कोई हमसे मिलने आ रहा है। तो अच्छा होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है सामने वाले पे। अगर आपको ट्रस्ट ना भी हो रहा होगा उस पे, तो आपको बोलना पड़ेगा येस आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, उसे जताना पड़ेगा आपको प्यार। और आपके तो 15 दिनों में झगड़े शुरू हो गए यार। तो ओके ठीक है, पर्सनल मामले होंगे जिसके कारण झगड़े हो रहे, बट 2 मिनट में सॉल्व होने चाहिए यार। और झगड़ों में तीसरे व्यक्ति को कभी मत लाना। आप दोनों का झगड़ा है, अपने बीच में शॉर्ट आउट करो, कोई ज़रूरत नहीं अपने दोस्तों को लाने का, या फिर वो अपने दोस्तों को लाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन आपने पूछा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सेफ है कि नहीं, क्या आप फिजिकल होने की बात कर रहे हो? देखो आप 15 के हो, तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि फिजिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको बंदा पिक्स मांग रहा है, अपने नूड्स मांग रहा है, या फिर क्लेवेज के साथ पिक्स मांग रहा है, ही डोंट लव यू, वो आपको प्यार नहीं करता है, समझ रहे हो? वो आपको अपने पिक्स मांग रहा है, आपके साथ सेक्स स्टार्ट कर रहा है। यार देखो, प्यार में फिजिकल होना कोई जरूरी नहीं है, ये सबका पर्सनल चॉइस होता है कि फिजिकल होना है या फिर नहीं होना है। दोनों, अगर दोनों साइड से लाइक दोनों चाहते हैं होना, तो हो जाओ, चलता है। बट एक जन मना कर रहा है, एक जन नहीं चाहता लेकिन दूसरा फोर्स कर रहा है, दैट्स नॉट लव, ठीक है, समझ रहे हो? एंड एक एज होती है हर चीज़ करने का, ठीक है। अगर आपको रिलेशन में आप हो, फाइन रहो, मेंटेन योर सेल्फ, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स एट द एंड। बस चुटकी में तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत तड़पना पड़ेगा, बहुत रोओगी तुम। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो दुख देगा करके आप रोओगी, रोओगी मतलब दोनों साइड से आएंगे यार। बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में। आपको बहुत बुरा लगेगा कि वो इतने दूर में है, कभी कभी बहुत प्यार बढ़ जाएगा, कभी कभी बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो रहो, और आपकी एज 15 है, मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ चटकी, फिलहाल पढ़ाई की तरफ ध्यान दो प्लीज़। और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, वो तुम्हारे लिए वेट करेगा, वो सच्चे दिल से तुम्हारे लिए वेट करेगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाना चुटकी जो तुम्हारे पेरेंट्स की नाक काटे, या फिर उन्हें हर्ट फील हो। जो समझाना चाहती हूँ समझो, लाइक क्लियरली फिजिकल वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है। लव इज़ अ प्योर थिंग, उसमें सेक्स जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती है। वो सबकी पर्सनल चॉइस है। अगर कोई चाहता है कि भाई हम किस तक के बात रखें, वो किस तक के रखते हैं, कोई हद तक के रखते हैं, और कोई मतलब जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों ही चाहते हैं, मतलब उन्हें इंटीमेसी चाहिए रहती है, तो दे डू, बट तुम नहीं करोगी। ये प्रॉब्लम तुम्हारा है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बन रहा है, स्पेशली सिर्फ एक पर्सन के लिए बन रहा है। तो आखिरी में मैं एडवाइस इतना ही करूंगी कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर तुम्हें लगता है कि वो ट्रू प्यार करता है तुम्हें, उसे डायरेक्ट बोलो यू शुड वेट फॉर मी। पिक्स देने की जरूरत नहीं है, सेक्स चैट करने की जरूरत नहीं है। डोंट बिलीव टू मच, बिलीव करो लेकिन कुछ भी चीज टू मच मत करो, ठीक है? और लॉन्ग डिस्टेंस में तो इतना बोलूंगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड उसको भी ट्रस्ट करो और उसको ट्रस्ट करवाओ। कुछ ऐसा कदम मत उठाओ कि उसे लगे कि तुम उसे चीट कर रही हो, एंड ये चीज़ उसे भी समझाओ, ठीक है? एंड गाइज फॉर यू ऑल, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मैंने इन्हें एडवाइस गलत दिया है चुटकी को, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि यार मैंने गलत बोला, आई विल एक्सेप्ट दैट, क्योंकि ऑफकोर्स मैं गलत हो सकती हूँ, आखिर गलती इंसानों से होती है। तो आप लोग मुझे डीएम करो अपनी प्रॉब्लम्स, अगर मेरे बस में रहेगा तो जरूर आपको मैं एडवाइस करूंगी। तो बाय बाय, टाटा, लव यू।